इसके बाद क्या लाता है पॉलीमेरिक हाइड्राइड, BEH2N या MGH2N, आखिर ये क्या कहानी है? वो पॉलीमेरिक हाइड्राइड होता है क्या है? बेसिकली बेरिलियम दो हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ होता है। तो असूलन तो बस बात ख़त्म हो जानी चाहिए भाई, ये दो हाइड्रोजन मिले इस बेरिलियम के साथ, ये दो इसके साथ मिले। अब होता क्या है, बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज़ बहुत छोटा होता है और चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये वजह है कि बेरिलियम जिन दो हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ है, ये इससे, ये इससे, ये तो है, लेकिन ये वाला इससे भी अट्रैक्ट हो रहा है। और इसी तरह बेरिलियम से असल तो कनेक्टेड ये वाले जो फुल लाइन है, और ये डॉटेड क्या है, ये अट्रैक्शन की लाइन है, तो इसलिए ये क्या लाते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड। अब देखो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम जाहिर है आयनिक हाइड्राइड हो गए, और ये डॉटेड प्रॉपर्टी का मतलब है यानी कोवेलेंट प्रॉपर्टी, तो इसलिए हम कहते हैं दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन, हाँ जी, आयनिक है कोवेलेंट। पहली बात तो एमसीक्यूज ये आ जाए कि जनाब इनको कहते क्या है, पॉलीमेरिक हाइड्राइड, जनरल फार्मूला PEH2N या MGH2N, और इनकी प्रॉपर्टीज किसके दरमियान में पाई जाती है, इंटरमीडिएट होती है बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट।